नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा आज, यानी कि 1 अगस्त को वार्नर पार्क बैसेटर सेंट किट्स में इंडियन टाइम के हिसाब से रात में 8 बजे से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस दूसरे T20 मुकाबले में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार कैसी नजर आ सकती है आपको दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है आप सभी क्रिकेट फैंस के लिए। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए इंडियन टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन टीम विनिंग कॉम्बिनेशन में बहुत ही ज़्यादा रेयरली कोई बदलाव करती है, स्पेशली जब सीरीज अलाइव हो। इसके अलावा दोस्तों, उन्हें ये देखना होगा कि क्या इस मैदान पर भी आपको 3 स्पिनर्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो वार्नर पार्क की पिच है ये हमेशा से तेज़ गेंदबाजों को ही ज़्यादा सूट करती है। यहाँ पर फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी ज़्यादा विकेट चटकाए हैं, तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि इस मुकाबले में टीम 3 स्पिनर्स की बजाय सिर्फ 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे और एक एक्स्ट्रा पेसर को टीम में ऐड किया जाए, जो कि हर्षल पटेल हो सकते हैं और यहाँ के कंडीशंस का फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये भी बात चल रही थी कि इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके दीपक हुड्डा को चांस दिया जा सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर की फॉर्म काफ़ी ज़्यादा खराब है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसके अनुसार टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही स्टिक करेगी और श्रेयस अय्यर को एक और मौका मिलने वाला है। तो आपको जो इंडियन टीम की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे रोहित शर्मा, जो कि कैप्टन है, उनके साथ सूर्य कुमार यादव। नंबर 3 पर आ सकते हैं श्रेयस अय्यर या फिर दीपक हुड्डा। नंबर 4 पर विकेटकीपर ऋषभ पंत। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या। नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा। नंबर 7 पर दिनेश कार्तिक। नंबर 8 पर आर अश्विन। नंबर 9 पर रवि बिश्नोई या फिर हर्षल पटेल। नंबर 10 पर भुवनेश्वर कुमार और नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह आ सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए वेस्ट इंडीज की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, आपको वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार रोमारियो शेफर्ड और ब्रेंडन किंग, जिन्होंने पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला मिस किया था US वीजा अपॉइंटमेंट्स की वजह से, वो अब इस मुकाबले में आपको डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, पिछले मुकाबले में सिर्फ 1 स्पिनर खिलाना वेस्ट इंडीज टीम को बैकफायर कर गया था, तो इस मैच में मुझे लगता है कि टीम 2 स्पिनर्स के साथ उतरेगी और आपको हेडन वॉश जूनियर भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको जो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे काइल मेयर्स के साथ ब्रेंडन किंग। नंबर 3 पर आ सकते हैं कैप्टन एंड विकेटकीपर निकोलस पूरन। नंबर 4 पर जेसन होल्डर। नंबर 5 पर रोमन पावल। नंबर 6 पर शिमरन हेटमैर। नंबर 7 पर रोमारियो शेफर्ड। नंबर 8 पर अकील हुसैन। नंबर 9 पर कीमो पॉल या फिर हेडन वॉश जूनियर। नंबर 10 पर अल्जारी जोसेफ और नंबर 11 पर ओबिद मकोय आ सकते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है दूसरे T20 मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से फाइनल प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से बदलाव दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में होने चाहिए इस मुकाबले के लिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।